नमस्कार, मैं हूँ आकाश जी। कोटा के कलेक्टर दफ्तर के बाहर 10 सूत्रीय मांग को लेकर 40 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे NRHM कर्मचारियों की सुनने वाला कोई नहीं है। आइए देखते हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट। हमारी मांग केवल निजीकरण की है, जिस प्रकार से 2013 में हमारी भर्ती निकाली गई थी मैनेजमेंट कैडर के लिए, और GNM भर्ती के सारे GNM परमानेंट कर दिए गए हैं, लेकिन मैनेजमेंट कैडर को बचा हुआ रहने दिया और उनकी वैकेंसी रखी है। तो हम यही चाह रहे हैं पिछले काफ़ी दिन से, और पिछली बार भी हमने करीब 2-3 महीने पहले सीएमडी दिन की स्ट्राइक करी थी, उसमें भी सरकार ने केवल झूठे आश्वासन दिए और अभी तक उनको कोई फूल नहीं किया। और वापस से हम लोग दोबारा से स्ट्राइक पर हैं पिछले 20 दिन से, अभी तक की सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की हमारी और ना हमारे बातों की। यही चाहते हैं कि हमारा नियमितीकरण हो और 2013 की जो भर्ती हो। क्या नाम है सर? अहमद आशीष।